शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 14 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें प्रयोगी आत्मा बनना सिखाया, शांति की शक्ति से, शांति के प्रयोग से, अपनी शुभ भावना से सर्व आत्माओं में स्नेह का दीपक जगाना सिखाया। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जगता है, ऐसे शुभ भावना से, शुभ कामना से आत्माओं में स्नेह और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा दीप सदा जगाते रहना है, इसका प्रयोग करना है कि साइलेंस में रहने से आत्माओं में शुभ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। साथ साथ बाबा ने आज की मुरली में विशेष रूप से कहा कि तुम बच्चों को बाबा बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं, तुम्हें पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाबा ने बहुत प्रेम भरे शब्दों में कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई छोड़ो मत, ये पढ़ाई तुम्हें क्या से क्या बनाती है, मानव से देव बनाती है। इस पढ़ाई को याद कर सदा खुशी में झूमते रहो। माया जब आती है तो आपको पढ़ाई से भी बेमुख कर देती है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और वो बेहद का बाप है, बेहद का टीचर है, बेहद का सतगुरु है। ये याद करना भी मन मनाभव है। अटेंशन दिलवाया बाबा ने, इस पुरानी दुनिया में कभी भी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना है, आपकी वृत्ति बहुत शुद्ध रहनी चाहिए। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, इससे क्या ममत्व लगाना, इससे ममत्व मिटाना है। बाबा ने अपना अनुभव शेयर किया, साकार बाबा ने किस तरह से एक सौभाग्य सुंदरी का नाटक देखा और वृत्ति परिवर्तन हो गई। बाबा ने कहे तो दोजक में जाने का रास्ता है, विशेष सिनेमा, ये दोजक है। आजकल तो सिनेमा जाने की आवश्यकता ही नहीं, सबकी जेब में ही सिनेमा रहता है, मोबाइल में ही ऐसी वैसी चीज़ें देखते हैं जिससे वृत्तियाँ खराब हो जाती हैं। बाबा ने कहा अपनी वृत्ति पर पूरा अटेंशन देना है। साथ साथ याद दिलाया कि अब वापस घर जाना है, घर जाने की स्मृति रखना, ये भी मन मनाभव है। तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए और बाबा के कार्य में मददगार बनना चाहिए। जो कल्प कल्प मददगार बने हैं वही बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को बच्चे याद रहते हैं कि ये मेरे मददगार बच्चे हैं। 16 कला संपूर्ण बनना है तो याद की खूब मेहनत करो, याद से आत्मा पावन बन जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे निरंतर याद रहे, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये याद ही मन मनाभव है। निरंतर याद रहे हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये याद ही मन मनाभव है। क्वेश्चन है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल जब आँखों में पड़ती तो सबसे पहली गफलत कौन सी? माया पहली गफलत कराती है, पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं ये बात भी भूल जाते हैं, बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ये भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। नॉलेज कैसी है? अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं, वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हो गए, बाबा की पढ़ाई छोड़ दी माना एब्सेंट हो गए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, समझाना उनको होता जिसने कुछ कम समझा है, वे बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते कि बाबा बड़ा वंडरफुल है,
भले तुम यहाँ बैठे हो, अंदर में समझते हो ये हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए, फिर साथ में जरूर लेके जाएंगे। बाबा जानते ये पुरानी चीची दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है, ये पुरानी दुनिया है, यहाँ से ले जाना है। कहाँ ले जाएंगे? घर, जैसे कन्या की शादी होती है, ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते। अब तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते बच्चों को, अंदर में जरूर आता होगा कि हमारा बाप भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। ये बड़ा बाबा है तो शिक्षा भी बड़ी देते हैं, बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्यंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है, जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमें घर लेके जाएंगे। ये अंदर ही अंदर याद करना मन मना भव है, बाबा हमें घर ले जाने आए हैं, हम बाबा के साथ घर जाएंगे, ये भी मन मना भव है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में याद रहे, वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाबा को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है, बच्चे जानते हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं, बाबा हमारा रूहानी बाप है, याद दिलाने के लिए युक्तियां बताते। माम एकम याद करो, इस याद से आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप बहुत किए, पावन बनने के लिए जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप बहुत किए, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हम परंपरा से करते आए। शास्त्र कब से सुने, कहेंगे परंपरा से, मनुष्यों को कुछ पता नहीं, सत्युग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाप बिगर कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये हमारा बाबा है, इनका कोई माँ बाप नहीं। कोई कह नहीं सकता कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मन मनाभव है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहीं से पढ़ा नहीं। शिव बाबा कहते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ लेकिन मैं कहीं से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। ये नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान सागर है, चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते बच्चे मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ इनके द्वारा तुम्हें इस समय तक का सारा राज समझाता हूँ, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाता हूँ। अंत के लिए फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे अभी अंत आता है, कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुँच जाएंगे, तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, ये कलयुगी पुरानी दुनिया है, इसका विनाश तो होना ही है, अनेक बार देखा और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे, राज्य लिया फिर गवाया, अब ले रहे हैं, बाप फिर से पढ़ा रहे हैं, कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व का मालिक बनते हैं, बाबा आकर हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, बाबा राय देते ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, टीचर को कभी भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों में माया बहुत गफलत कराती है, कई कई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती, एकदम आँखों में धूल डाल देती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाई को छोड़ देते, पढ़ाई मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं, बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते। बाबा कहते कम से कम इस रीति मुझे याद करो, कल्प कल्प तुम ही समझते हो, धारण करते हो, इसका बाबा कोई और है नहीं, बेहद का बाप है, बेहद का बाप शिव बाबा, सबका ही बाबा, उसका कोई बाबा नहीं। कोई बाबा कहते ये नहीं कह सकता कि वो मेरा बच्चा है,
वंडरफुल बाप है ना, मेरा कोई बाप है तो बताओ शिव बाबा किसका बच्चा है। ये पढ़ाई भी वंडरफुल जो इस समय और कोई पढ़ा नहीं सकता, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो, तुम ये भी जानते हो। बाबा को याद करते करते क्या होगा, याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती, वहाँ फिर ट्रिब्यूनल बैठती, सब साक्षात्कार होते, बिगर साक्षात्कार किसको सजा नहीं दे सकते। मूंझ पड़े कि ये सजा हमें क्यों मिल रही है, बाप को मालूम पड़ता है इसने ये पाप किया, ये भूल की, सब साक्षात्कार कराते। उस समय ऐसा फील होता इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है, उस समय ऐसा लगता है कि ये बहुत समय की हमें सजा मिल रही है, ये जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, देखना है हम किसी को दुख तो नहीं देते, देखना है हम किसी को दुख तो नहीं देते। 16 कला संपूर्ण बनने की क्या विधि है, याद की मेहनत करनी है, चेक करना हम किसी को दुख तो नहीं देते, सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं, बहुत गुलगुल बनना है, ये पढ़ाई तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते, बाप की ये नॉलेज न्यारी है, सत्य है। ये है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। ये पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाबा बार बार समझाते पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं, माया छुड़ा देती है। बाबा कहते ऐसे मत करो, पढ़ाई मत छोड़ो, बड़े प्यार से बाबा कहते बच्चे पढ़ाई मत छोड़ो। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता कि कितने दिन अब्सेंट रहा, पढ़ाई छोड़ देते तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में भूलने की चीज़ तो है ही नहीं, ये तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं जैसे खेल है, खेल की बात किसको भी सुना से झट याद रह जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं। ये अपना अनुभव भी सुनाते, छोटेपन से वैरागी ख्याल आते, ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुनने जैसा है। शुरू से ही ज्ञान से पहले साकार बाबा ब्रह्मा बाबा जिन्हें देख दादा लेखराज कहते थे, उनके वैरागी ख्यालात थे। कहता था दुनिया में बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाएं तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, बस इतना काफ़ी है, बड़े स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा फिर क्या हुआ, एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का, बस वैराग की सब बातें टूट गई। अब देखने का कितना इफेक्ट होता है, बाबा समझा रहे हैं कि जैसे वो देखा तो वैराग की बातें तो सब टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे ये करेंगे, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया सब चट कर दी, एक ही थप्पड़ लगा सब कला काया चट कर दी। बाबा कहते बच्चे ये दुनिया दोजक है, और उसमें फिर ये जो नाटक सिनेमा है ये भी दोजक है, ये देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। बाबा कहते इससे सारी वृत्तियां खराब हो जाती हैं, अखबारें पढ़ते हैं उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं, वृत्ति उस तरफ चली जाती है, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है, ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बुद्धि वहीं चलने लगती है, बहुत अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना, वास्तव में ख्याल भी नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते ये तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामे कम याद करो, सब कुछ भूल मामे कम याद करो। ऐसे से चित्र आदि क्यों देखते हो, ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती हैं। ये जो कुछ देखते हो ये कब्र दाखिल होना है, जो कुछ इन आँखों से देखते हो उसको याद नहीं करो, उससे ममत्व मिटा दो। ये सब शरीर तो पुराने छींची हैं, भले आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो छींची है ना, बस ध्यान देना है एक बाप को ही देखना है। क्या ध्यान देना है, एक बाबा को देखना, 10 सेकंड अभ्यास करेंगे बाबा के स्वरूप को देखने का। वो स्वरूप थर्ड आई से देखा जाता है, तीसरे नेत्र से ज्योति बिंदु चमकीले बाबा को देखें, वही जो परम सुंदर है।
बाबा ने कहा, एक बाप को ही देखो, मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई के भी बुद्धि में ना आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं, साइंस वालों को कितनी बुद्धि चलती। तुम्हारी फिर है साइलेंस, सब चाहते भी हैं हम मुक्ति को पाएं। तुम्हारी फिर एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। ये भी बाबा ने समझाया, गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज नहीं दे सकते हैं। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, घर ग्रस्त में रहना, कार्य करना, जिम्मेवारी निभाना, वहाँ रहते हुए पवित्र बनना है, राजाई लेनी है। भक्ति में बहुत टाइम तुम बच्चों ने वेस्ट किया, अब समझते हो हमने कितनी भूलें की। भूल करते करते बेसमझ पत्थर बुद्धि बन गए अंदर में आता। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो खुशी का पारा चढ़ता है, हमारा बाबा बेहद का बाबा है। खुशी चढ़ती है बेहद का बाबा, शिव बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, वो टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझाते वो कोई गुरु से सीखा होगा, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि किसी गुरु ने सिखाया होगा। तो गुरु के और भी तो शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं, आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता, उनकी हीरो में उनको वजन करते हैं, अपने गुरु को हीरो से तोलते हैं। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन कराएंगे? ये तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन कितना है? एक हीरा भी नहीं डाल सकते। शिव बाबा का कितना वजन है? एक हीरा भी नहीं डाल सकते। वैसे तो उसकी तुलना, उसका तोल किया ही नहीं जा सकता, वो तो अनमोल है, अतुल्य है। ऐसे सी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। ये महीन बात हुई, भले ये तो तुम कहते हो हे ईश्वर, ये थोड़ा ही समझते कि वो बाप टीचर गुरु है। ये तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं, ये ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सकें। बाबा तो बच्चों के साथ ही बैठते हैं, धरती पर भी बैठ जाते हैं। थोड़ा सा ऊंचा संदली पे इसलिए बैठा जाता कि पीछे वाले बच्चे भी आराम से दर्शन कर सकें, बाबा को देख सकें, मुखड़ा देख सकें। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना, इन मददगार बच्चों बिगर स्थापना थोड़ी करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंच से ऊंच पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। बाबा बच्चों को देखते बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देखकर खुश होता हूँ, कल्प कल्प बच्चे मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता, भले कहाँ भी बैठे रहो बुद्धि में बाबा याद रहे। कहीं भी बैठे रहो बुद्धि में शिव बाबा याद रहे। ये बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है। जिसको सब याद करते हैं वही सब कुछ है। मात पिता भाई बहन बंधु सखा सर्वस्व है। सत्युग में कोई याद नहीं करेंगे, 21 जन्म के लिए बेड़ा पार हो जाता है। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, बस सारा दिन हम बाबा की सर्विस करें, ऐसे बाप का परिचय दें। बाप से वर्षा मिलता है, बाप हमें राजयोग सिखाते, फिर सबको साथ भी ले जाते। सारा चक्र बुद्धि में है, ऐसे चक्र कोई बना ना सके। अर्थ का किसी को पता नहीं, तुम अब समझते हो ये सृष्टि चक्र और कोई ऐसा नहीं बना सकता। अब तुम समझते हो बाबा हमारा बेहद का बाबा है, बेहद का राज्य देते हैं, फिर साथ ले जाएंगे। ऐसे से तुम समझाएंगे फिर कोई सर्वव्यापी भी नहीं कह सकता, वो बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। बाबा समझाते पढ़ाई भूलो मत, बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा बड़ा है ना तो पढ़ाई भी बहुत बड़ी है। बाबा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुननी चाहिए। बोलो ये बेहद का खेल है, हर एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं, हम ही मालिक थे। वैकुंठ होकर गया फिर ज़रूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर ज़रूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है,
तुम जानते हो अब हमारी लात नरक की तरफ मुंह स्वर्ग की तरफ है और वो ही याद रहता है। बाबा कहते हो आपका मुख स्वर्ग की तरफ है, पुरानी दुनिया की तरफ आपके पैर हैं, ऐसे याद करते करते अंत मते सुगते हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरण करना चाहिए, ज्ञान की बातें, कितनी अच्छी बातें जिनका सिमरण करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उससे ममत्व मिटा देना है। एक बाबा को देखना है, वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए छींची शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। बाबा जो न्यारी सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो अच्छी तरह से पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा जो अच्छी नॉलेज सुनाते हैं वो पढ़नी और पढ़ानी है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उससे ममत्व मिटा देना है। बाबा को ही देखना है, वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए छींची शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। बाबा जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो अच्छी तरह से पढ़नी और पढ़ानी है, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति के शक्ति के साधन प्रयोग में लाओ, प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करेगी। आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। इस शांति की शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। अटेंशन से सुनेंगे, अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह के भावना की स्थिति में स्थित हो औरों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है सबका प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनने के लिए खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे जिन्होंने हमें प्रयोगी आत्मा बनाया, और एक प्रयोग करेंगे कि जब हम सबके लिए शुभ भावना रखते हैं तो वो शुभ भावना कितना रंग लाती है, कितना परिवर्तन लाती है, स्वयं में भी अन्य में भी। दिल से बाबा का थैंक्स करेंगे, प्यारे बाबा आपने हमें शांति की शक्ति का प्रयोग करना सिखाया। पहला प्रयोग स्वयं पर करेंगे, मुझे शांत स्थिति में रहना है। साइलेंस बहुत बड़ी पावर है। मैजिक ऑफ साइलेंस सर्वात्माओं में शुभ भावना उत्पन्न करना है। जहां शुभ भावना है
शुभ भावना का दीपक सहज ही अन्य में भी शुभ भाव और भावना जगा देता है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। बाबा की शक्तियां, इनमें इतनी पावर है जो सफलता मूर्त बना देती है। मैं प्रयोगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जो आत्माएं इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने के निमित्त है, अगर उनको इन तीन प्रश्नों का जवाब मिल जाए तो आज ही सृष्टि परिवर्तन हो सकती है। वह कौन से तीन प्रश्न हैं? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।